नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये कुछ जरूरी कागजात के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। और खासकर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी दस्तावेज की बात हो तो पैन कार्ड काफी जरूरी हो जाता है। इसलिए पैन कार्ड अब आधार से लिंक्ड होता है और केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लाजमी भी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी कुछ खास जानकारी देंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पैन कार्ड किसी भी तरह के लेन देन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैन कार्ड इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे भी होते हैं। इसमें बिजनेस स्टार्ट करने, टैक्स कटौती लाभ, डीमैट अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स फाइलिंग, विदेशी मुद्रा खरीदने के अलावा कई फायदे शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने में कैसे मददगार है पैन कार्ड। भारत सरकार के नियमों के अनुसार देश में हर व्यवसाय के लिए पैन का होना लाजमी है। साथ ही बिजनेस में कंपनियों को व्यापार करने और टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर या TRN की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पैन कार्ड का बैंक से लिंक होने पर कम कटौती होती है। अगर बचत जमा पर 10,000 रुपये से अधिक की वार्षिक ब्याज आय वाले व्यक्ति ने अपने पैन को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो संबंधित बैंक 10% के बजाय 30% की दर से TDS काटेगा। इसके अलावा सेबी के नियमों के अनुसार अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो डीमैट खाता नहीं खोल सकता, जिसका मतलब यह है कि वो स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन की जरूरत पड़ती है। वहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए एक पैन कार्ड आवश्यक होती है। एक व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने या खरीदने समय पैन डिटेल देना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चार पहिया वाहन बेचता है या खरीदता है तो भी पैन कार्ड अनिवार्य है। और साथ ही अगर कोई पे ऑर्डर, बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट और 50,000 रुपये की सीमा से अधिक की नगद जमा राशि का विकल्प चुनना चाहता है तो भी पैन कार्ड दिखाना होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पैन कार्ड कितना जरूरी है। इसलिए अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया तो जल्द बनवा लें, और जिसने बनवा ली है और उसका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो वो भी जल्द करवा लें। इसके लिए सिर्फ आपको 1,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको पैन कार्ड से जुड़ी हर वो जानकारी मिल चुकी होगी।